नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है टू नंबर्स आर इन रेशो 3:4। दो नंबर है जो किस रेशो में है? 3:4 में है, 3:4 में। इफ देयर एचसीएफ इज 4, उनका जो एचसीएफ है वो कितना है? 4 है। तो आपको उनका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नंबर दो रेशो में होंगे यानी कि कॉमन पार्ट जो है वो उनमें से क्या हो चुका होगा? कैंसिल हो चुका होगा। और कॉमन पार्ट की बात करें यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, रेशो में वो नंबर नहीं होगा। जबकि ऐसा नंबर लेकिन एग्जिस्ट करता है और वो कौन सा है? 4 है। एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो उन दोनों नंबर को क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि एचसीएफ इसका 4 है, इसका मतलब एक नंबर जो आपका वो है 12 और एक जो है वो है 16। क्लियर है बात? क्योंकि इन्हीं का एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। और भी नंबर हो सकते हैं लेकिन यही वो दो नंबर है जिनका एचसीएफ भी 4 आएगा और जिनका रेशो भी क्या बनता है? 3:4। क्लियर? अब इनका क्या बता देना है आपने? एलसीएम बता देना है। तो एलसीएम जो इनका आ जाएगा वो आ जाएगा 48। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे मैंने इतनी स्पीड से कैसे निकाला? आपने सिंपली ये करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 12। और उसको एचसीएफ से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो 12 से क्या हो जाएगा आपका? 48। इतना ईजी है। जो एचसीएफ था उनसे मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाल दिए? नंबर। और वो नंबर का क्या निकाल दें आप? एलसीएम। या फिर जो रेशो दी हुई है उसका आप एलसीएम निकाल दें। यानी कि अगर मैं कल ए रेशो बी दे दूं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? ए बी। ठीक है, और जो भी एचसीएफ होगा उससे क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम। ठीक है, तो इनका क्या निकाल दिया मैंने? एलसीएम। तो कितना आएगा? 12। और एचसीएफ कितना था? 4। उससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो वो क्या आ गया उनका? एलसीएम। आपसे नंबर पूछे होते तो नंबर ये थे, इनके डिफरेंस पूछ ले कल तो 60-12 कितना आ जाएगा आपका? 4। तो एक ही क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन आपके क्या हो चुके हैं? कवर हो चुके हैं। आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर रेशो 5:7 है और एचसीएफ जो है वो है आपका 9, तो आपको उनका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करें, बिल्कुल ना भूले कमेंट सेक्शन में करना ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ चुका है। और आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।